वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सम स्किल्स। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड क्या होता है। अब तक हमने देखा कि वर्डप्रेस को किस तरह इंस्टॉल किया जाता है, किस तरह डोमेन या होस्टिंग को परचेज की जाती है, सो ऑन। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि वर्डप्रेस को लॉगिन करने के बाद जो चीज़ हमें नज़र आती है वो क्या है और उसको हम लोग किस तरह समझ सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने अपनी वेबसाइट को लॉगिन की करने के मेथड देखे। आज की इस वीडियो में हम अपनी वेबसाइट को लॉगिन करेंगे और वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को देखेंगे। लॉगिन करने के बाद जो आपको स्क्रीन सबसे पहले नज़र आती है वो हमारे पास डैशबोर्ड कहलाता है। तो विदाउट अपना टाइम वेस्ट किए हम स्क्रीन पर चलते हैं और अपनी वेबसाइट को लॉगिन कर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को समझते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आप देखा कि मैंने एक डोमेन परचेज की है, न्यू लर्निंग फ्रीलांसिंग स्किल्स, तो उसी को मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, learningfreelancingskills.com/wp-admin। जब मैंने एंटर किया तो यहाँ पर मेरे पास वर्डप्रेस का लॉगिन आ गया। अब यहाँ पर मेरा यूज़र नेम है और यहाँ पर मेरा पासवर्ड है। मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड को टाइप करने के बाद यहाँ पर रिमेंबर मी पर टिक मार्क किया और यहाँ से इसको लॉगिन किया। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वर्डप्रेस की जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपको बआसानी मिल सके। जब हमने अपने वर्डप्रेस को लॉगिन किया तो हमारे पास यहाँ पर इस तरह की एक अपेयरेंस नज़र आ गई, एक लुक आ गई। अब इस लुक को हम लोग कहते हैं डैशबोर्ड। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा भी हुआ है डैशबोर्ड। वर्डप्रेस डैशबोर्ड के कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं और कुछ सेक्शन हमें नहीं चाहिए होते। इस सेक्शन को हम साइड बार कहते हैं। हमारा जो पूरा का पूरा वर्डप्रेस है वो इस काले वाले हिस्से से ही मैनेज होता है, इस एरिया से मैनेज होता है। हम लोग इस वाइट एरिया में बात करें तो आपको यहाँ पर कुछ सेक्शन मिलेंगे। पहला सेक्शन हमारे पास क्या है, वेलकम टू वर्डप्रेस, आपको वो वेलकम कर रहा है। जहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है आप अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं, अपनी पोस्ट बना सकते हैं, अपने होम पेज को सेट कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं, आप और बाकी एक्शन कर सकते हैं, आप मेन्यू ऐड कर सकते हैं, आप कमेंट को ऐड कर सकते हैं। अब इसमें आपके पास कुछ ऐसे सेक्शन, जब आप लोग अपनी वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है आपको इसमें कुछ सेक्शन नज़र ना आए। उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक मेन सेक्शन है क्विक ड्राफ्ट का। अगर आपको जल्दी है और आप जल्दी में कोई पोस्ट करना चाहते हैं तो आप इस सेक्शन में आकर पोस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास एट अ ग्लैंस। यहाँ पर वो आपको बताएगा कि आपने कितनी पोस्ट कर ली हैं, कितने पेज हैं और कितने कमेंट हैं। एक्टिविटी में आपको बताया जाता है कि आपने कौन सी पोस्ट की है, कब कौन सा काम आपने किया हुआ है, रिसेंट कमेंट में आपकी वेबसाइट पर जो कमेंट आए हैं उनको आपने अप्रूव करवाना है, डिसअप्रूव करवाना है, स्पैम करवाना है, जो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है वो है वर्डप्रेस इवेंट एंड न्यूज़। यहाँ पर आपको वर्डप्रेस की जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, न्यूज़ आएगी, वो आपको मिल जाएगी। अब इसमें एक मज़े की बात यह है कि आप इस सेक्शन को आप अपनी मर्ज़ी से हिला सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसको मैनेज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वाला सेक्शन नहीं चाहिए तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डिसमिस कर दूँगा।
तो वो सेक्शन चला गया। आपको यहाँ से जो सेक्शन चाहिए हो आप वो रख सकते हैं, जो नहीं चाहिए हो वो आप ना रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये चीज़ें नज़र ना आए तो सिंपली आप इसको इस तरह मिनिमाइज भी कर सकते हैं। आपका यहाँ पर देखें, आप जिस तरह इसको चाहें आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और आपको बात बता दूँ, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन नज़र आ रही हो कि स्क्रीन ऑप्शंस की, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको वो बताता है कि इस मेन स्क्रीन पर इस वक्त आपने क्या क्या विजिबल किया हुआ। अगर मैं यहाँ से कोई चीज़ अनमार्क कर देता हूँ तो वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जो वर्डप्रेस न्यूज़ एंड इवेंट है ये एरिया यहाँ से रिमूव हो जाए, तो सिंपली मैं यहाँ से इसको अनमार्क करूँगा तो वो यहाँ से चला जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर वेलकम स्क्रीन, जो मैंने आपको कहा था कि मुझे नहीं चाहिए वो चाहिए, तो यहाँ पर वेलकम स्क्रीन भी आ गई। अब इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं हेल्प की ऑप्शन है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप ओवरव्यू करें, नेविगेशन करें, लेआउट आपका क्या है, कंटेंट आपका क्या है। तो ये हमारे पास क्या था, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड था। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने वर्डप्रेस को लॉगिन करें और वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।